से? ये मांजलिका जरूर कुछ कर रही है, शायद वही टिप्सी के साथ। मुझे जाके देखना होगा। मैं बाहर गई तो मांजलिका मेरे अंदर आ जाएगी। राजवीर, टिप्सी कहाँ है? इधर ही होगी कहीं। नहीं, मंदिर में नहीं है। तुम बाहर जाके देखे आओ ना कि टिप्सी कहाँ। अरे रिलैक्स, बच्ची है कहीं आसपास चली गई होगी। मैं जाता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। टिप्सी बेटा कहाँ हो? परीदी को बाहर आना था, बाहर क्यों नहीं आई? टिप्सी क्या हो गया? कहाँ लगी आप? ओह माय गॉड, ये भगवान, ये इस बच्ची को बालाजी ने बचाया। जय हनुमंता, इसे स्नान करा लो। जाओ संभाल के। शुक्र है भगवान का कि टिप्सी सही सलामत आ गई। ओह नो, राजवीर अकेला है बाहर, अब क्या होगा? परीदी, तुझे तो मंदिर के बाहर आना ही होगा। तो आएगी, जरूर आएगी। संभल के। थैंक यू। अरे आपके तो पूरे कपड़े खराब हो गए, आप हाथ पैर धो लीजिए या तो नहा लीजिए। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरी जान बचाई। थैंक यू। अरे आपकी जान तो उसने बचाई है, जो आपको यहां लाया है उसी ने आपको बचाया है। थैंक यू। खुद ही क्यों ना मिट जाऊं, लेकिन मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगी जब तक मेरा तंत्र पूरा नहीं हो जाता। ये तो फायर अलार्म नहीं थी। What?
पापा हाँ? अलार्म बज रहा है लेकिन आग कहाँ लगी है? ये धुएं की स्मेल यहां से? ये धुआं वहां से आ रहा है, मतलब स्टोर रूम। कोई धुआं नहीं है, फिर ये स्मेल कहां से आ रही थी? हमारी बिंदड़ी पर दी ये जोड़ा पहनेगी। जो चीज मुझे पसंद नहीं आती मैं उसे मिटा देती हूँ। जश्न की रात है, महफिल में तारों से चढ़ी साड़ियों में कई सितारे होंगे, कई नजारे होंगे, सबकी नजर में नजर आऊंगी सिर्फ मैं जो पहनूंगी वो सब देखेंगे। अंधेरों से आई हूँ मैं, काली रात मेरी मोहब्बत है, काली रात तो काली साड़ी। संतरा फिर से जागृत हो गया। मैंने इस घर पर फिर से अपना जाल बिछा दिया है, ये घर फिर से सांस लेने लगा।
बहुत खुशियां मना ली तुम लोगों ने नए घर की। अब सबकी खुशियों को धीरे 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 मैं जलते देखूंगी और फिर सब एक साथ कर दूंगी। स्वाहा। इंतजार करवाया तुमने पृथ्वी खन्ना, अब देखना मैं कैसे तुम्हारे इस घर को अपना हथियार बनाकर तुमसे ही बदला लेती हूं। तुम्हारे परिवार का एक एक सदस्य तुम्हारी ही आंखों के सामने अपनी मौत की नींद सोएगा। और तुम खून के आंसू रोगे और तुम्हारे इन बहते आंसुओं से मेरे सीने में जलती बदले की साख को शांति मिलेगी। अंकल, अंकल धुआं, अंकल लगता है किचन में आग लगी है। अक्षत, आग बुझाओ। बस बुढ़िया, इतनी रात को दिया लेके कहाँ जा रही हो? हड्डियों में तो बल है ही नहीं, चलो चल के कहाँ जा रही है तू? बोल ना। अपनी परिधि की जान बचाने के लिए उस किन्नर के पास जा रही है तू? कौन है तुम? मांजलिका, जिसको परिधि ने मार दिया। तू लेके गई थी ना परिधि को किन्नर के पास, तेरी वजह से मांजलिका मर गई, तेरी वजह से। बोल क्या करेगी? आज फिर से वही कांड करने जा रही है तू? हाँ, कैसे जाएगी किन्नर के पास? कैसे जाएगी तू किन्नर के पास? ऐसे जाएगी ना, ऐसे जाएगी ना, ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी तू? तू देखना चाहती है कि मैं परिधि के साथ क्या कर सकती हूँ? देखना चाहती है? हाँ, ये देख, ये देख। मत करो, मत करो, मत करो, छोड़ दो उसे। सरोज भाई साहब, सरोज भाई साहब, मुझे बचाओ ना सरोज भाई साहब। तू ठीक तो है बेटा? तू ठीक तो है ना बेटा? ए बुढ़िया, सबको जाके बताएगी तो पता क्या कयामत आएगी। मैं कोई सिर्फ आत्मा नहीं हूँ, मैं आमंत्रित आत्मा हूँ। परिधि ने मुझे आमंत्रण दिया है, अब परिधि का शरीर मेरा घर है। परिधि के शरीर को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे उसके शरीर से बाहर नहीं निकाल सकती। आज तो तुमने कमाल कर दिया, इतनी खूबसूरत लग रही थी तुम, महफिल जमा दी तुमने। अभी तो तुमने देखा क्या है राजवीर, अभी देखते जाओ, देखते जाओ।
मैंने तुम्हारा ये रूप पहले कभी नहीं देखा, ये जुनूनी, ये नशीला रूप। पर ये तुम तो परे कोई और थे, ये परे कोई और है। क्या हुआ? पता नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये सब बहुत अजीब लग रहा है परी, ना कहीं तुम्हारा वो शर्माना, वो शर्मा के मुझसे दूर चला जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। यकीन मानो पहली रात को मैं तुम्हें देखकर ऐसे दंग रह गया था। ये सब जो कर रही हो ना, ये लग नहीं रहा कि परी कर रही है, बहुत अलग लग रहा है। मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। राजवीर, देखा तुमने, कैसे वो बिना देखे भी मुझे देख सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है, जान सकता है कि मैं उसकी परी थी नहीं, मैं वो परी थी नहीं। हम दोनों के दिल एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। हाँ, वो देख सकता है कि मैं तुम नहीं हूँ, पर वो देखेगा जो उसकी आंखों के सामने है। उसकी आंखों के सामने जिस्म तो तुम्हारा होगा, लेकिन तुम्हारे जिस्म में साया मेरा होगा। जानते हो उसके आने के बाद क्या करने वाली हूँ? सब करने वाली हूँ जो मैं चाहती हूँ, और तुम देखोगी जब मैं तुम्हारे जिस्म में चले जाऊँ कैसे मेरे पास आएगा और मेरे से प्यार करेगा और मेरा हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। वो जान जाएगा क्योंकि हमारा रिश्ता रस्मों से, कस्मों से नहीं जुड़ा, रूह से जुड़ा है। और जब ऐसे प्यार करने वालों की शादी हो जाती है ना, तो कोई जिस्म मायने नहीं रखते। तुम भले ही राजवीर को पाने के लिए मेरा जिस्म ले लो, लेकिन हम दोनों की रूह को अलग नहीं कर सकते। नहीं पा सकती तुम मेरे राजवीर को। जिस्म की ताकत देखना चाहती हो? आज तुम्हें ये भी दिखा देती हूँ कि जिस्म की ताकत क्या होती है। वो बाहों में तो तुम्हें भरेगा, आगोश में मैं जाऊंगी। ओम नमो आदेश गुरु का, सर्वनाश तू कर दे सबका। बहुत जल्द तुम्हारा ये परिवार इस घर में अपनी पहली मौत देखेगा, क्योंकि मैंने मौत की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अपने पहले शिकार को पहचान ले जलसा। Okay, everyone. Everything is under control. लेकिन बेटा हुआ क्या था? अरे माँ कुछ नहीं, वो किचन में एक्सीडेंटली थोड़ी आग लग गई, अब सब ठीक। इसका मतलब पार्टी कंटिन्यू। Of course, नानी, the party is on. Let's party. अक्षत, यार पक्का उस बच्चे की वजह से आग लगी होगी। मुझे ना बहुत weird सी vibes मिल रही है। मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल वाइब्स आ रही। सो क्यूट। व्हाट? ला 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 ला।
इडियट है यार तू पूरा। यार अक्षत, हमें ना एक बार पापा से बात कर लेनी चाहिए। हाँ जरूर करनी चाहिए। पृथ्वी कुछ गड़बड़ हुई है, बाहर पुलिस आई है। प्लस प्लस बहुत नींद आ रही है, थोड़ा थका हूं। समझ गई, तुम अभी भी उसी लड़की से प्यार करते हो ना? झूठ बोल रहे थे ना मुझसे कि तुम्हें उसका चेहरा तक याद नहीं। तुमने दिल तोड़ दिया मेरा राज भी। हाथ जोड़ो मेरा। क्या कहना चाहते हो तुम अभी भी उसके ख्वाबों में, उसके ख्यालों में खोए हो ना राज भी? इसलिए मैं जितना तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? अच्छा ठीक है, मान लिया कि तुम सच कह रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या है? कोई फिजिकल प्रॉब्लम है क्या तुम्हें रात पे? तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास आते जा रही हो, तुम मुझसे दूर जा रहे हो। तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे 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 तुम आज भी उससे ज्यादा प्यार करते हो रात पे। मुझे ऐसे ही लग रहा है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या हुआ? हम दोनों के बीच किसी की भी जगह नहीं, किसी की नहीं, इस मंगलसूत्र की भी नहीं। मंजुलिका, ए मंजुलिका,